वहाँ पे पूरे मीडिया वाले प्रेजेंट थे, बट फिर भी ये वायरल कहाँ से हुआ है, वो एक छोटा सा मोबाइल कैमरा से लगा देते। ये ठीक है, मिल करके अच्छा लगता है यार भाई लोगों के साथ, और ये लोग काफ़ी बढ़िया कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद यार काफ़ी दिनों के बाद डिज्नीलैंड वगैरह देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं आपका फ्रेंड आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य डीवीडी, और हमारे साथ है हमारे छोटा भाई अयांश। अयांश टाटा कर दो, अयांश हेलो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे। और अभी मैं अपने भाई के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ आज का ब्लॉग, अयांश। तो इसको छत पर घुमाने के लिए लाए थोड़ा, चलो। तो भाई को हम लोग घूमने देते हैं नीचे, और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया, बट जैसा होता हम आपको दिखाते हैं। होपफुली बहुत ही बढ़िया ब्लॉग होने वाला है। और एक सेकंड आपको यहाँ का मौसम दिखाते हैं यार, देखो। तो यार अपना धनबाद यार इसी के लिए जाना ही जाता है भाई, किसी हिल स्टेशन से कम थोड़ी है। ये देखिए आसमान, और यहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखिए, ये गुड बॉय। पेड़ पे पानी देना चाहिए। अरे ये तो झाड़ी है, तुम इतना सारा पेड़ झाड़ी झाड़ झाड़ी और घास पे पानी। चलिए आज हम लोग का व्लॉग दोस्तों बच्चों के साथ बनने वाला लग रहा है, बच्चे के साथ हमने स्टार्ट किया है। अयांश को देते हैं, चलिए अयांश फ्लावर। ये बच्चे से सीखना चाहिए हमें, पेड़ पौधा में पानी देना चाहिए, बचाना चाहिए इन्हें। इसका यहाँ पे लगा देते हैं, चलिए। ये देखिए सब में पानी देगा जी, हम लोग का काम आसान कर दिया। तो मामी आप अगर देख रहे हैं तो मैंने इसे पानी देने नहीं बोला, ये खुद दे रहा है। आसमान देखो, आसमान देखो, पानी पड़ने वाला है, ठीक है। तो पानी गिरेगा ही इसमें, पानी देने का जरूरत नहीं है। ये नींबू, नींबू बोलो, नींबू लो, तुम इसको पकड़ो, तो इसको पकड़ो, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ उसमें। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, बस पकड़ो 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 अच्छे से। हेलो, हम दिख रहे हैं, देखो हम दिख रहे हैं उसमें, देखो उसमें, देखो लेमू में पानी दें कि लेम्बू पानी दें। सो अभी हमारा भाई तैयार नहीं है व्लॉगिंग के लिए, साफ साफ पता चल रहा है। ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, बच्चे फिर गुस्सा हो जाएंगे हमसे। कौन सा कलर है? येलो। येलो और येलो है, येलो पिया। इधर कैमरा में बाय बाय, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है। गाइस जल्दी से लंच वगैरह कर लेता है यार, लंच बहुत ही टेस्टी बना है यार, क्योंकि आज दोस्तों मैं चिकन लेकर आया था बाहर से। और ये देखिए, ये जो चिकन मम्मी बनाई बहुत ही टेस्टी है यार, साथ में चावल है और दो रोटी है। और यार माँ के हाथ का खाना का तो यार कोई जजमेंट ही नहीं है भाई। चलिए जल्दी से खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, जैसा होगा हम आपको दिखाते हैं। सो हे गाइस, मैं आप लोगों से कुछ एक बात शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ही जरूरी मुद्दा है। तो सुनील छेत्री को आप लोग जानते होंगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है, मैं भी पर्सनली उनका फैन हूँ यार। अभी हाल फिलहाल में एक मैच हो रहा था दोस्तों वेस्ट बंगाल में, जो बहुत ही दमदार मैच हुआ था, बहुत ही मजेदार मैच हुआ था। सुनील छेत्री जी का जो टीम है दोस्तों, उन्होंने विन किया। वहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे, जब उनको सम्मानित किया जा रहा था ट्रॉफी से। और उस पर फिर सुनील छेत्री जी का एक्सप्रेशन देखकर कि उनको लगा कि बहुत ही हर्ट हुआ है उन्हें, अपने लाइफ में स्पोर्ट्स को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है, वो ये देख के क्या सीखेगा। तो इसी पे दोस्तों भाईचुंग भुटिया, आप लोग जानते होंगे भाईचुंग भुटिया जी को भी बहुत बुरा लगा ये सब चीज़ देख करके, कि वो खुद एक इतने बड़े प्लेयर है और सुनील छेत्री जी भी इतने बड़े प्लेयर है, बट फिर भी उनके साथ ऐसा ट्रीट हुआ है, तो उनको तो सेंटीमेंट हर्ट होगा ना यार। रॉबिन उथप्पा जी ने भी कहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ है, उनको भी बहुत बुरा लगा ये चीज़। ना ये जो वायरल वीडियो है ना, ये सिर्फ उस कैमरे से ही रिकॉर्ड हुआ, जबकि वहाँ पर पूरे मीडिया वाले प्रेजेंट थे, बट फिर भी ये वायरल कहाँ से हुआ है, वो एक छोटा सा मोबाइल कैमरा से। सो गाइस अभी बाहर निकल चुके हैं, और आप लोगों को जैसा मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, स्टील गेट में जो पंडाल बन रहा है, और उसी का बैक का आपको दिखा रहा हूँ पीछे का। ये देखिए मेला के लिए पूरा प्रिपरेशन शुरू हो चुका है, जैसे हर साल यहाँ पर झूला वगैरह लगता है, मेला वगैरह लगता है। वो देखिए सामने बोट का प्रिपरेशन चल रहा है, बोट बन रहा है, और ब्रेक डांस वाला दिख रहा है वहाँ पर। तारा माची और माउथ कुआ का यहाँ पर सिस्टम बैठेगा पूरा बढ़िया तरीके से। सो चलिए अभी आगे चलते हैं। सो गाइस अभी हम हमेशा की तरह आ गए आसू भाई से मिलने के लिए, यार फ्री टाइम था शाम में मेरे पास, तो ये लोग यहाँ पर रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं। हेलो भाई। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सूर्य, नमस्कार। और भाई के एक और फ्रेंड है यहाँ पर, क्या नाम है भाई? हिमांशु। हिमांशु पढ़ने में बहुत ही तेज है, अभी मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर वगैरह, ये लोग एग्जाम था, तो भाई पूरा एकदम क्वेश्चन पेपर पूछा है इसे मैंने,
सारा जवाब दे दिया, फाड़ के रखा है पेपर पूरा एकदम। चलो ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है, अच्छा रिजल्ट होगा। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए एक और हमारे कंटेंट क्रिएटर है भाई हमारे साथ। हेलो गाइस, हेलो। और इनके साथ एक और है, आपका नाम क्या है? एलिजाबेथ। इनका आईडी भी मेंशन कर दिया, क्या है बोल दीजिए एक बार मुंह से अपना। एलिजा रॉय 02, ठीक है मेंशन हम कर देंगे, आप लोग चेकआउट करना। और बैड बॉय का तो जानते हैं, मेरा भी और मेंशन कर दिया, ठीक है। मिल करके अच्छा लगता है यार भाई लोगों के साथ, और ये लोग काफी बढ़िया कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बंदूक मत दिखाओ भाई हमारे व्यूअर्स को। चलिए सो गाइस, लाइक ऑलवेज हम लोग अगेन रोड पर उतर चुके हैं मोटो ब्लॉगिंग को लेकर के। मौसम देखो आप यार, धनबाद का क्या स्काई है भाई, लव यू मैन धनबाद, कितना सुंदर आसमान लग रहा है भाई देख करके, वाह। जीवन नगर का नजारा यहाँ देखिए, सब अंकल लोग सब बैठे हुए हैं, भाई लोग बैठा हुआ है, सब शाम का मौसम का मस्त चिल मारने के लिए। और यहाँ पर पंडाल जहाँ लगता है, अभी तक तो इधर यार, अभी तक तो मुझे पंडाल का कहीं पे दिखा नहीं है अरेंजमेंट जगजीवन नगर में, सो मे भी आगे होगा। एंड लुक एट द स्काई मैन, लुकिंग गॉर्जियस भाई। ये दोस्तों CBI रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, देखिए दोस्तों दुर्गा पूजा का कपड़ा किस तरह से सेल हो रहा है। यहाँ भी गाइस एक मेला लगा, ओहो, डिज्नीलैंड यहाँ शिफ्ट हो गया है गाइस, मैन लुक एट दैट। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग डिज्नीलैंड में एंटर कर चुके हैं, जो कि अभी जिला परिषद मैदान में हो रहा है। और देखिए डिज्नीलैंड मेला नाम रख दिया, इससे पहले डिज्नीलैंड था। काफ़ी सारे शॉप्स अभी सेटअप होना शुरू हो चुके हैं, और कपड़ा का भी देखिए, दुर्गा पूजा का शॉपिंग के लिए भी भाई देखो कपड़ा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, टैटू मेकर और काफ़ी सारे खिलौने का सामान। मेरी कोशिश रही कि मैं दिखा सकूं कि कितनी तैयारी हो चुकी है, उसके बाद उस हिसाब से आप लोग आना एंजॉय करना। कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद यार, काफ़ी दिनों के बाद डिज्नीलैंड वगैरह देखने को मिलेगा। ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं सजाने का, ये देखिए काम हो रहा है यहाँ पर। तो एक सेकंड अंकल, कब तक मतलब ये ओपन हो जाएगा डिज्नीलैंड? ओपन हो गया था, हो गया है 17 तारीख से है। काफ़ी दिनों बाद डिज्नीलैंड लग रहा है यार, जो भी है। मैं अभी बिना टिकट पे घुस गया हूँ, अभी टिकट वगैरह नहीं लग रहा, क्योंकि अभी सारा सेटअप ही हुआ। यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ लोग आए हुए अभी भी शॉपिंग करने के लिए, कुछ कुछ सुपारी और माउथ फ्रेशनर का शॉप है। यहाँ पे देखो गेम्स वगैरह का है। डिज्नीलैंड मेला पूरा ब्रांड बन गया है, देख रहे हैं जहाँ भी आप देखोगे डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। गेम चल रहा है क्या अभी? क्या रेट है? एक राउंड खेलिए 20 रुपये बस, 3 राउंड खेलिए 50। बहुत बढ़िया है। तो गाइज आप लोग भी यार चेकआउट करो यार भाई के शॉप पे आकर के, 20 रुपये में खेलने के लिए दे रहे क्या। चलो थैंक यू, मिलते हैं दोबारा फिर हम लोग। यहाँ पर भी देखिए कुछ गेम्स वगैरह है, और ये जो मैंने आपको दिखाया था गोल्फ ग्राउंड में जो मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जो गेम था उसी टाइप का ये गेम है। तो जो नंबर आपका आएगा, जितना बॉल सब कैलकुलेट होके प्राइज मनी में आपको मिलेगा, और प्राइज भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्पीकर है, कप सेट है। अंकल यहाँ बैठे हुए, ठीक है अंकल, देख सकते हो यार पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। तो पहले थोड़ा हालत ठीक नहीं था, बट अभी यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह गिरा कर पूरा समतल और बहुत बढ़िया बना दिया गया है। देखिए आइसक्रीम वगैरह का शॉप है, आपको ले चलते हैं बचपन के दिनों में, और 2012 के बाद से अभी तक हम डिज्नीलैंड नहीं आए हैं। बोलिए इसे आप पहचान रहे हो? ये देखो ड्रैगन है, ये यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे गोल घूमेगी, फिर एक बार ऊपर, एक बार डाउन, एक बार फिर वहीं पे। चलो के लिए छोटा सा ड्रैगन है, और कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह रखे हुए हैं। और आप ये तारा माची देख सकते हो यार, तारा माची भी है, मीडियम साइज का तारा माची है। और यहाँ पर नाव वगैरह बन गया है, ब्रेक डांस वगैरह बनने वाला है, ट्रैम्पोलिन बोलते हैं इसे। और चलिए यार बिना टिकट का चलते हैं आज हम लोग ब्रेक डांस पे। आइए 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 आइए, तो काफी दिनों बाद ब्रेक डांस में हम लोग आए हैं। अब बट अभी ओपन नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अभी भी हल्का फुल्का हिल रहा है। अरे भाई टेस्ट कर रहे हैं क्या ये? अभी चलना स्टार्ट हो जाता तो घूमने लग जाता है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यार, एक से एक फर्नीचर वगैरह दिख रहा है, देख सकते हैं सोफा सेट्स वगैरह है, और कुछ यहाँ पर सजाने का आइटम है, और ये एग्जिट है। चलिए चलते हैं बाहर, देखता हुआ हम दिखा चुके हैं। अभी तो देख सकते हो आप लोग डिज्नीलैंड जो है ये जिला परिषद मैदान में लगा हुआ है। पहले लगता था यार स्टार्टिंग में गोल्फ ग्राउंड में, और गोल्फ ग्राउंड में जब लगता था यार तो वहाँ पे बहुत स्पेस है, वहाँ बहुत सारे मेले लगते थे, बहुत सारे झूले, काफ़ी सारे शॉप्स, इंटरेस्टिंग। फिर धीरे धीरे यार कोहिनूर मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, कोहिनूर मैदान में भी उतना स्पेस नहीं था। अब देखिए अब एक और ख़राब बात हो गई है कि अब डिज्नीलैंड और छोटा हो गया है, तो यार धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से, तो और धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन ए वाइल आप लोगों को इवनिंग का और अंधेरे का मोटो व्लॉग दिखा रहा हूँ, ठीक है।
मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि रात का मोटो व्लॉग कभी नहीं बनाया, पता नहीं क्वालिटी कैसा आएगा। देखिए जाम में फंस गए हम यहाँ पर। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हीरापुर के अंदर चिड़ागोड़ा के पास, जो झारखंड मैदान है वहाँ पर भी हर साल पंडाल लगता है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया पंडाल बनता है। तो इस साल भी पूरा तैयार हो चुका है, लगभग 75% तो तैयार हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है। ये देखिए पूरा बांस फिनिशिंग दिया हुआ है, बांस का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे बांस है, वहाँ पे बांस है, और वहाँ पे देखिए हल्के फुल्के लकड़ियों का भी यूज़ किया हुआ है, पतली लकड़ियों का, और कुछ फेस दिख रहा हो सब में, छोटा छोटा चेहरा बना हुआ है। तो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ट्राइबल थीम पर बना हुआ है। तो दोस्तों यार ट्राइबल टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब टॉपिक पे हम लोग को वीडियोज़ वगैरह फिर न्यूज़ वगैरह सुनने को मिल रहा है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट बने हमारे द्रौपदी मुर्मू, इंडिया के पहली वुमेन ट्राइबल वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी था, उसी से इंस्पायर होकर के ये लोग ट्राइबल वाले थीम को इस बार अप्लाई किए हैं। बढ़िया लग रहा है यार। और आप भी सोच रहे हो कि इतना हल्ला शोरगुल्ला कहाँ से आ रहा है, तो आपको दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ मेला स्टार्ट भी हो चुका है। अभी कुछ जगह मेला सेटअप नहीं हुआ और यहाँ देखिए मेला स्टार्ट भी हो चुका है, लोग झूला झूल रहे हैं। रुकिए चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। हम लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे खाने पीने का भी स्टॉल खुल चुका है यार। एक हाँ भैया, यहाँ तो मेला स्टार्ट भी हो गया है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ तो देख के लग रहा है मेला शुरू हो गया है। बच्चों लोगों को मौका मिल जाना चाहिए बस। अरे भैया का स्माइल भी बहुत प्यारा है। अच्छे ऊपर भी आइसक्रीम है, यहाँ पर भी समोसा गुपचुप चाट है, और झूले में आपको दिखाते हैं फिलहाल यहाँ पर। ये आया अपना ड्रैगन, ओ 30 पर पर्सन। तारा माची यहाँ का, ये भी बढ़िया है यार, डिसेंट साइज है। और यहाँ पर देखिए टिकट का है 40 रुपया है। डीजल काफी महंगा हो गया जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर देखो यार नाव चलने वाला है, बच्चे लोग आए हुए घूमने के लिए। और यहाँ पर देखिए घोड़ा गाड़ी, यहाँ पर देखिए घोड़ा है बच्चा लोग वाला। तो गाइस हमें यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमें मिल गए, सब्सक्राइबर हमारे। हेलो कर दो यार, क्या नाम है आपका? आदित्य ना। वाह भाई सेम थे। तो भाई भी आपके साथ है क्या? चलो अच्छा लगा मिल करके भाई। छोटा भीम के निगरानी में बच्चे लोग घूम रहे हैं, बट छोटा भीम तो बच्चे लोग को देख भी नहीं रहा है। ये देखिए ऊपर देख रहा है, खोया हुआ है। तो देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, पूरा खुश है ये छोटा बच्चा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक डांस है। ब्रेक डांस में यार कितना है, दो गाड़ी में बैठे हुए लोग एक में। देखिए मैं आप लोगों को एक बार ब्रेक डांस का भी टिकट दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या है। 40 रुपीज़ है क्योंकि डीजल महंगा हो गया है। ये देखो बच्चे लोगों का, वाह एक नंबर, वाह बढ़िया बढ़िया। चलो आगे देखिए लोग, हीरो आ गया ये। तो यार बच्चे लोगों को देख के ना एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब हाँ ब्लॉग बन रहा है। हेलो कर दो, हेलो हेलो ये काफी अच्छा लग रहा है बच्चे लोगों को देख करके ये। हम लोगों को पहले बच्चा बहुत डर लगता था यार, और पीछे वाले भाई साहब हमेशा खड़े हो जाते थे, उन लोगों को देख के और डर लगता था। ये देखिए ओ पूरा तो लग रहा है 90 डिग्री झुका दिया ये लोगों। ये नीचे में एक बेल्ट घूम रहा है, देखिए मशीन के साथ जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, और नीचे वो टायर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, उसके बाद ये पुश करता है उसको। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इस वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं इसी तरह किसी मज़ेदार ब्लॉग में कंटेंट के साथ, बने रहिए हमारे साथ आदित्य टीवी में। सो गाइस यार वहाँ पर एक डॉगी दिख रहा है लेटा हुआ है वहाँ पर, गाड़ी सब वाला पता नहीं दिक्कत कर देगा यार इसको, सोया हुआ है शायद मे भी, कान तो खड़ा है उसका, तो हटा देते हैं इशारा करके। हट चल,
बेचारा ऐसा ऐसा जगह में काहे लेट जाता है भाई, निकल गया लगता है, भाग गया यहाँ से।